और अभी की बड़ी खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर जेपीसी की आज पहली बैठक हुई, 6 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है और वहीं से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एनडीए के साथी हैं हमारे साथ, ये एआईएमपीएलवी की तरफ से दावा किया गया है। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमपीएलवी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला, उन्होंने ये कहा कि चिराग, नीतीश, नायडू इस बिल के खिलाफ हैं। तो एक बहुत बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आज दरअसल जेपीसी की पहली बैठक हुई, अब 30 अगस्त को जेपीसी की अगली बैठक होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो बिल है इसे जेपीसी को रेफर कर दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है फिलहाल ये चर्चा के लिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी हम लेते हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या इस बिल को लेकर एनडीए में अपने साथियों में फूट पड़ गई है? देखिए, ये दावा किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं खालिद सैफुल्ला रहमानी, उनका हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा है कि उनकी मुलाकात टीडीपी से हो चुकी है, उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हो चुकी है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के जो मुखिया हैं उनसे, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जेडीयू में नीतीश कुमार से भी बातचीत हुई है और ये तीनों ही उनके साथ हैं। ये उनका एक बड़ा दावा है और आज जेपीसी की पहली बैठक थी। अब बड़ी बात ये कि अगर एनडीए के ये तीन बड़े सहयोगी दल अगर ये इस बिल की मुखालफत करने वालों के साथ हैं अखिलेश, फिर तो नंबर गेम चेंज हो जाता है। अब ये उनका दावा है, जेपीसी की अगली बैठक के बीच में जो अंतराल है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज इसका जो पूरा खाका है इस बिल का और जेपीसी की जो आगे मीटिंग चलेगी वो खाका सामने रखा गया है। तो आने वाले वक्त में जो बंद कमरों में मीटिंगें हुई हैं वो उन मीटिंगों की बातें खुल करके सामने आएंगी और तब जा करके ये क्लियर होगा कि जो दावा है वो दावा कितना सही है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। वैसे जेपीसी के जो इस मामले में चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, वो तो आश्वस्त हैं कि जो अगला सत्र होगा उसमें पहले ही हफ्ते ये बिल जो है उसको टेबल कर देंगे। वो आपको दिखाते हैं आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है। वक्फ संशोधन बिल की समीक्षा के लिए बनी जेपीसी की मीटिंग के लिए पहुंचे सांसदों का ये वीडियो है। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से लेकर ओवैसी और संजय सिंह जैसे बड़े चेहरे मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन मीटिंग में निकला कुछ नहीं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की आजादी का जिक्र कर विपक्ष ने बिल का विरोध किया। इस बैठक में जाने से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय सिंह ने कह दिया था कि वो बिल का विरोध करेंगे। हुआ भी वही। ये जो कोशिश की जा रही है मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा, इस कोशिश के पीछे एकमात्र मंशा है जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। तो ये बिल गैर संवैधानिक है और कोई भी बिल संविधान के विरुद्ध नहीं आ सकता। विरोध करेंगे आप इसका वहां पे? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। अच्छा, एक विषय सर और है। निश्चित रूप से विरोध करेंगे। तू कौन, मैं खामखा। बैठक में विपक्षी सांसदों ने एक सुर में बिल का विरोध किया। विपक्ष की मांग है कि बिल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, जबकि बैठक से पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा था कि इस बिल से मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस एक्ट को या इस रिफॉर्म को लाने के पीछे उद्देश्य यह है कि उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से उसका फायदा आम माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक के लोगों को मिले, पसमानदा लोगों को मिले, खवातीन को मिले, बच्चों को मिले, और उसी पे जो एक्ट आया है उस एक्ट में सभी हमारे सत्ता पक्ष और अपोजिशन के लोग थ्रेड एंड वेयर उसको डिस्कस कर सके। उधर मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से अपील की है कि बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। बिल जो आया है वो तो सरकार ही की तरफ से आया है, घेरने का क्या मतलब है? हम उस बिल की मुखालफत करते हैं। जाहिर है कि सरकार किसी चीज को लाई है, हम ये समझते हैं कि वो हमारे वक्फ को, वो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। हमें 100% यकीन है कि जिन कैरेक्टरों के हवाले किया जाएगा वो उसको हड़प करा देंगे। मानसून सत्र में बिल लोकसभा में पेश किया गया था और इसे लेकर सत्ता पक्ष में भी पूरी तरह से सहमति नहीं थी, जिसकी वजह से बिल जेपीसी को भेज दिया गया था। अब इस बिल का भविष्य अधर में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।